सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने ओवरले में एनिमेशन कैसे देनी है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो ओवरले मैंने बनाया है इसमें आपको थोड़ी बहुत एनिमेशन दिख रही होंगी, और साथ ही साथ जो इसकी लोगो है यहाँ पे आपको थोड़ा सा साबर इफेक्ट भी देखने को मिल रहा होगा। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और गाइस, आप में से जिस बंदे ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हमारे की ओवरले का जो पूरा टैम्पलेट वो कैसे क्रिएट करना है, तो देख लेना, बिकॉज इसमें मैं आपको वो नहीं बताऊँगा। मैं इसमें सिर्फ आपको बस जो बेसिक सॉरी एनिमेशन देने हैं वो बताऊँगा कि आपको एनिमेशन इसमें कैसे डालें। और साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हम 2K सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज है, तो इसलिए दोस्तों सपोर्ट करना। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं प्रीवियस वीडियो में बताना भूल गया कि जो आपका जो लोगो है उसमें आपको स्ट्रोक भी देना है। तो चलो मैं अब इसमें आपको बताता हूँ जो स्ट्रोक है आपके लोगो में वो कैसे देना है। तो पहले यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाएंगे हम, इसे करेंगे सिलेक्ट पिक्सल्स, देन यहाँ पे जाके फिर स्ट्रोक के ऑप्शन में जाके ये देख लो वाइट कलर का यहाँ पे स्ट्रोक ऑलरेडी अप्लाई है। तो बट हमको यहाँ से कलर पिक कर लेना है, जिस कलर का लोगो आपको हो दोस्तों उस कलर का मतलब स्ट्रोक पिक कर लेना। तो मैं यहाँ से पर्पल कलर पिक कर लेता हूँ, पर्पल या पिंक जो भी कहो यार। तो यहाँ से पिक कर लिया कलर, देन गाइस आपको दोबारा इसमें स्ट्रोक देना है वाइट कलर का। इस बार पहले पर्पल कलर का दिया, अब इस बार वाइट कलर का स्ट्रोक देंगे। देखो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। देन गाइस राइट पे क्लिक कर देना तो आपका स्ट्रोक भी अप्लाई हो जाएगा। सो गाइस, मेरा यहाँ पे वाइट कलर की थोड़ा सा पार्ट आ गया, तो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से क्लियर कर दिया मैंने इस वाले पार्ट को। देन गाइस आपको मतलब PNG फाइल में इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो सभी लेयर मैंने हाइड कर दिया और जो लोगों के लेयर है बस उसको विजिबल रहने दिया है। तो अब यहाँ से हम सेव करके इसको सेव टू गैलरी कर लेंगे PNG फॉर्मेट में। तो यहाँ से PNG फॉर्मेट में सेव कर लिया हमने। देन गाइस आपको दोबारा से आपके लोगों में आ जाना है, मतलब इसमें फिर गाइस आपको यहाँ पे जो सॉरी ग्लो इफेक्ट होता है उसको देना है। तो यहाँ से मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। सो गाइस, जब आपका कलर अच्छे से सिलेक्ट हो जाए, देन गाइस जो आपका जो ब्लर का साइज़ उसे 30% कर देना, और दोस्तों जो इंटेंसिटी है उसको पूरा 100% रखना आप। तो यहाँ पे मैंने 30% कर लिया और जो इंटेंसिटी वो भी मैंने 100% कर रखी है। देन गाइस इसको भी आप सेव कर लेना। चलो इसको सेव कर लेता हूँ पहले। गाइस इसको भी PNG फॉर्मेट में ही सेव कर। देन गाइस जैसे ही ये सेव हो जाए आपका PNG फॉर्मेट में, आपको आ जाना है काइन मास्टर में। देन गाइस काइन मास्टर में आने के बाद आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, यानी कि ब्लैंक प्रोजेक्ट। फिर आपको मीडिया में से जाके आपको ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, जिसकी ड्यूरेशन आपको 10 सेकेंड रखनी है। आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैंने यहाँ पर 10 सेकेंड तक की रखी है। देन गाइस यहाँ पर आपको जो आपका लोगो आपने बनाया था, मतलब जिसमें आपने ग्लो इफेक्ट दिया था खास तौर पर, उसको इम्पोर्ट करना है फर्स्ट टाइम। तो देख लो मैंने यहाँ पर इसमें ग्लो इफेक्ट दिया था, ये वाला लोगो है मेरा। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद आपको एफेक्ट्स में जाना है, फिर आपको ये वाला मिराज एक इफेक्ट मिल जाएगा। एफेक्ट्स में जब जाओगे तो आप इसको यहाँ पे गेट मोर पे क्लिक करोगे तो आपको ये प्ले स्टोर सॉरी प्ले स्टोर कह रहा हूँ, ये आपको काइन मास्टर के ऐसे स्टोर में मिल जाएगा। सो गाइस देख लो, आपको ये कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो गाइस आपको यहाँ पे आने के बाद आपको फोर्थ लाइन पे एक ऑप्शन मिलेगा डिस्टोरेशन करके, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा मिराज इफेक्ट। तो ये मेरा प्री इंस्टॉल्ड है पहले से ही, तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। फिर इसका साइज़ पहले एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से। देन गाइस साइज एडजस्ट करने के बाद आपको इस पे जाना है सेटिंग्स पे, इस पे क्लिक करना है, देन सेटिंग्स पे जाना। फिर दोस्तों जो इसकी स्पीड है इस पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। इसका जो मोड है बस उसको 2 पे कर देना है, एंड जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको पूरा 20% कर देना। देन गाइस इतना सब होने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, फिर मीडिया में से आपने जो लोगो बनाया था जिसमें आपने सिर्फ सिंपल स्ट्रोक दिया था उसको इम्पोर्ट करना। देन गाइस याद रखना, आपको सिर्फ सिंपल जिसमें आपने स्ट्रोक दिया था उसी लेयर को इम्पोर्ट करना है, ग्लो वाली लेयर को इम्पोर्ट मत करना। देन गाइस आपको मिराज इफेक्ट के सेटिंग्स पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे आपको रिवर्स डायरेक्शन चेंज कर देना है, जिससे आपके साबर इफेक्ट में थोड़ा और अच्छा लुक आ जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रीव्यू, देखो कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा दोस्तों आपके इसमें भी साबर इफेक्ट में। तो इतना सब होने के बाद आपको इसको पूरा फुल कर देना है, जो लेयर है लोगों की दोनों, मतलब दोनों लोगों के लेयर फुल कर देना। देन अच्छे से एडजस्ट करने के बाद इसको सेव कर लेना। तो चलो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ अब। सो गाइस एक्सपोर्ट होने के बाद आपको दोबारा से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, देन जो इसका बैकग्राउंड मैं यहाँ पे पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ ब्लैक कलर का। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पे ग्रीन कलर कर लेते हैं, क्योंकि हम इस बार हम ग्रीन स्क्रीन में बनाएंगे, इसलिए जो इसकी ड्यूरेशन है मैंने यहाँ पे 15% रखी है, सॉरी 15 सेकेंड रखी है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना जितनी आपको चाहिए अपने ओवरले में। देन गाइस इतना होने के बाद आपका जो ओवरले का बैकग्राउंड था मेन थीम थी जो, उसको इम्पोर्ट करना है।
देन इसको पूरा फुल एंड तक खींच लेना है इसको। देन गाइस ऐसे करते करते आपको पूरा जो आपका मटेरियल था ओवरले का उसको इंपोर्ट करना है। तो चलो अब मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के जो आइकन्स थे उनको इंपोर्ट कर लेता हूँ, मतलब सोशल मीडिया के साइट्स वाले। फिर दोस्तों अब हमको जो हमने एनिमेशन बनाई थी काइन मास्टर में, मतलब उसको इंपोर्ट करना है। देन यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाके स्क्रीन कर देना है इसे, तो ब्लेंडिंग मोड आपको मिल जाएगा नीचे, फिर इसको स्क्रीन कर देना है। इन स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको जो लोगो था आपका उसको इंपोर्ट करना है, जिसमें आपने सिर्फ सिंपल स्ट्रोक दिया था वाइट कलर का। तो इसको इंपोर्ट करने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर देना। तो देखो गाइस आपके इस ओवरले में कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा, जो कि एकदम ओपी लग रहा है देखने पे। अब सो गाइस इतना सब होने के बाद आपको पूरा एंड तक ये जो आपकी लेयर थी इनको पूरा एंड तक फिलअप कर देना है 15 सेकेंड तक। देन गाइस यहाँ पे पहले मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ सही है कि नहीं। देन गाइस जो हमने वीडियो एनिमेशन बनाई थी काइन मास्टर में, उसकी इन एनिमेशन में जाने के बाद आपको यहाँ से वाइप राइट करके एक एनिमेशन मिलेगी, उसको यहाँ पे आपको लगा देना है। तो यहाँ पे वो एनिमेशन है वाइप राइट, तो इसको लगा देना है। तो देखो कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा आपकी सॉरी साइबर इफेक्ट में ये वाली एनिमेशन को लगाने के बाद। तो ऐसा ही करने के बाद दोस्तों आपको सभी में, मतलब ये जो आपका जो सोशल मीडिया के आइकन वाली जो साइट्स थी इसमें भी आपको एनिमेशन लगानी है। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन होगी लगाने में, बिकॉज यहाँ पे जो लेयर्स है वो ज़्यादा हो गए, जैसे कि मेरे को कन्फ्यूजन हो रही है, जैसे कि मैंने दो बार मतलब कि बैकग्राउंड वाली लेयर पर ही एनिमेशन लगा रहा हूँ। सो इस बार मैंने सही लगाया है, तो इसको स्लाइड अप एनिमेशन दे देंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर भी एनिमेशन लग गई है, बस अब यहाँ पर लोगों में एनिमेशन लगानी रह गई है। तो यहाँ से इस पर भी एंटर स्लाइड अप करके एक एनिमेशन है, इसको लगा देंगे। तो देखो कुछ इस तरह का लुक आ जाएगा। बस साबर इफेक्ट को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, पहले आगे साइड कर दिया है। सो गाइस कुछ इस तरह का लुक बन गया आपका ओवरले। बस यहाँ पे जो साबर इफेक्ट है इसको मैं थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो इसकी पहले डुप्लिकेट लेयर कर लेते हैं साबर इफेक्ट के, सॉरी जो काइन मास्टर में जो हमने इफेक्ट बनाया था इसकी डुप्लीकेट लेयर करेंगे। देन गाइस इसको पूरा एंड तक खींच लेंगे, जितना आपकी वीडियो की ड्यूरेशन है। बस इतना होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका जो लोगो था मेन लोगो उसको अप टू फ्रंट कर देना। बस याद रखना जो आपको लोगो है ना गाइस वो अप टू फ्रंट रहना चाहिए, जिससे कि एकदम लुक जो है चेंज नहीं होगा। तो कुछ इस तरह का आपका जो ओवरले है वो पूरा बन चुका है। बस पहले यहाँ पे प्रीव्यू अच्छे से चेक कर लेते हैं कि मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। सो गाइस प्रीव्यू एकदम ठीक है, कोई मतलब गलत नहीं हुआ कुछ भी। तो बस यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट। सो गाइस एक्सपोर्ट करने के बाद हमारा जो काम है पूरा फिनिश हो गया। एंड गाइस पिछले कुछ दिनों से आप में से बहुत से बंदे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई आपने जो स्टारबोर्न गेमिंग लाइक जो लोगो बनाया है उसका आप गिव अवे कर दो, या फिर वो आप सभी को मतलब यूट्यूब पे सभी बंदों को दे दो। गाइस वो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज उस टाइप का लोगो का एक क्लाइंट वर्क आया था, एक बंदे ने मेरे से बनवाया था जिसके लिए उसने पे भी किया था। अगर मैं आपको सभी को फ्री में दे दूँगा तो उसको बुरा लगेगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इसलिए गाइस मैं आपको वो लोगो नहीं दे रहा, पर अगर ऐसा मेरे को पहले पता होता तो मैं आपको पहले ही दे चुका होता। तो आई होप गाइस आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको वो लोगो क्यों नहीं दे रहा। तो गाइस समझो मेरी प्रॉब्लम। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड गाइस हम 2K सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज है, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर दो यार। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।